सत श्री अकाल जी, तुहाडा राज पंजाबी कहानियां विच एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब फैमिली नू सारयां नू बंदी छोड़ दिवस अते दिवाली दियां बहुत बहुत मुबारक होण। करदे हां शुरू कहानी। बैकयार्ड च गड्डी पार्क करके सुखवीर मलकड़े जे बेसमेंट वल गया। वैंकूवर नाल लगदे एक निक्के जिहे टाउन दे अपर साइड ओह ते उसदे दोस्त रहिंदे सी। चार जणियां च दो मुंडे ते दो कुड़ियां सी। कई होर भी कदे भी उत्थे आ जांदे, खप करदे, खांदे पींदे ते सौ जांदे। घर दा कल्लापन सब नू खांदा सी, इसलिए अपने आप नू बिजी रखना जां दोस्तां च गप्पां मार टाइम कढ लैणा ही सही लगदा सी। हुण भी उसदे दोस्त उसनू आख रहे सी कि घर जा के तू की करना है, इत्थे ही किते इधर उधर बैठ के गल्लां करदे हाँ। पर ओह रुकिया ना, इस वेले ओह किधरों भी टाइम बचा के बेसमेंट च आ जांदा सी। कारण सिर्फ एक सी, इस वेले उसदे नाल रहिंदी कुड़ी गुरी कल्ली हुंदी सी। बाकी सारे दिन रात ना उत्थे हाहाकार ही मची रहिंदी सी ते उस वल कावां रोली च उस नाल गल नहीं सी कर पाउंदा। पता नहीं कदों उसनू उस नाल बैठ के निक्कियां निक्कियां गल्लां करन दी आदत पै गई सी। हमेशा वांग उसने दरवाजे दी बैल वजाई। कुछ पलां मगरों ही गुरी ने दरवाजा खोलिया। नहा के कम वाली वर्दी च तैयार होई ओह जिवें उसदा इंतजार ही कर रही होवे। अपने वर्किंग डे ते इंज ही करदी सी। देर रात दी शिफ्ट मगरों पहला सवेरे तक सौंदी, फिर क्लास लगा के आ के सौ जांदी सी ते फिर तैयार हो के मुड़ काम ते हफ्ते च पंज दिन इक्को यही रूटीन सी उसदा। ते काम ते जान तो पहला सुखवीर वापस आ जांदा, उस नाल बैठ के शाम नू चाह ते स्नैक्स लैणा भी उसदे रूटीन दा हिस्सा बन गया सी। घर दे इक कोने कोल रखे बेंच ते बैठ चाह दियां चुस्कियां भरदे खांदे ते नाल नाल गल्लां करदे। सुखवीर नू चाह दा इन्ना चस नहीं सी, पर सिर्फ गुरी नाल बैठ के गल्लां करन लई इह भी उन्ने आदत च शुमार कर लिया सी। उस नू इंज लगदा सी कि कॉलेज वाली अपनी लाइफ नू एक बार फिर तो जी रहा होवे। किसे दा इंतजार करना ते आने बहाने किसे नाल वक्त बिताउण लई कोशिश करनी, हुण भी ओह उही सब कर रहा सी। पता नहीं उसनू गुरी च की नज़र आया सी, मुड़ ओह उही सब करन लगा सी। पूरे दिन च उसनू उही पल जिंदगी दे लगदे सी जो ओह उस नाल बिता लैंदा। नहीं तां उसदी जिंदगी दा सुनहरी पल जहाज चढ़दे ही पिछे छुट गए सी। गुरी अपने काम दियां गल्लां दसदी रही, किसे दी शिकायत तों चुगली तों निक्के जिहे ताने तों बड़ी छेती ओह दुखी हो जांदी सी ते सारा कुछ आके ओह सुखवीर नू दसदी, कदे गुस्से च, कदे उदासी च, कदे हासे च। होर सुनन वाला है भी कौन सी, सारे ही स्टूडेंट दी लाइफ इहो जिही सी, इहो समस्यावां सी। घरदियां नू दस बिना गल्लों टेंशन दित्ती नहीं सी जांदी। सिर्फ इक्को इक सुखवीर सी जिसनू ओह दस दिंदी सी। ओह सुनदा सी ते लोड़ अनुसार समझा भी दिंदा सी। दो अजनबियां तों चंगे दोस्त ओह हौली हौली बन गए सी। गल्लां करदे अक्सर ओह लेट हो जांदे, फिर कम तक पैदल जाण दी बजाए सुखवीर उसनू कम तक ड्राइव करके आ जांदा। सुन्नी होई बेसमेंट च वापस आ के ओह कॉलेज दे दिनां नू दियां यादां च गवाच जांदा सी। अपनी पहली मुहब्बत दी दास्तान उसदे अखां सामने घूमन लगदी। किवें हजारां ही कुड़ियां दी भीड़ विच्चों रितु ते उस दियां नज़रां टिकियां सी ते फिर कुछ ओह उस दे जादू च जकड़िया उस दे अगे पिछे मंडराउण लग्गिया। बाकी सारे मुंडे दोपहर बाद दियां प्रैक्टिकल क्लासां मिस कर दिंदे सी, पर ओह सिर्फ रितु नाल कुछ समां होर बिताउण खातर कदे कॉलेज मिस ना करदा। कुदरती उसदा ते रितु दा प्रैक्टिकल ग्रुप भी इक्को बन गया। फिर कदे प्रैक्टिकल दी तैयारी, कदे पेपर दी तैयारी, कदे किसे मिस होए लैक्चर नू एक दूजे नू समझाउण ते समझण दा बहाना इंज करदे ही ओह पहलां दोस्ती ते फिर मुहब्बत दियां पौड़ियां चढ़ गए सी।
उस नाल कॉलेज दे बेंच ते क्लासरूम लैब कंटीन ते मुहब्बत तक दे सफर दा एक एक पल अज भी चेते च वसया होया सी ते ओह पहली किस्तां उस नूं कदे भी नहीं सी भुलदी। यूथ फैसटिवल दियां तैयारियां चल रही सी, ओह भंगड़े दी टीम विच सी ते रितु गिद्दे दी टीम विच। तैयारियां करदे करदे अक्सर लेट हो जांदे सी। उस दिन दी प्रैक्टिकल करके अपने समान नूं चक्कन लई दोवें आउटडोर दे बैकरूम च गए सी। शाम टल गई सी ते कमरे च अजे हनेरा सी। दोहां दे हाथ इक्को समय स्विच ऑन करन लई वधे ते आपस च खह गए। लाइट दे नाल दिल च कई जज्बात जाग गए। कमरे दी सां सां दी आवाज़ च उन्हां दा शोर बढ़ गया। ना तां सुखवीर ने हाथ छड्या ते ना ही रितु छड़वा सकी। गुट पासों घुट के सुखवीर ने अपने वल खिंचया। चुंबक नाल लोहे वांग रितु उस दे गल नाल चिंबड़ गई। अखां दी खिच कदों बुल्लां नूं बुलाउण लगी ते हथेलियां कदों कस के मुठियां हो गईयां। समय नूं वी पता ना लग्या। अखां दी शरारत बुल्लां च उतर आई। पल छिन च ही दोवां दे साह इक मिक हो गए। कमरे दी आवाज़ च दबे दबे साहां दी आवाज़ रल गई सी। शरीर इंज डिग रहे सी जिवें किसी सहारे दी जरूरत होवे। रितु दा पूरा भार उस दियां बाहां ते सी। कदों ओह मदहोश दे आलम च बुल्लां तों गर्दन तक खिसक गया उस नूं वी पता ना लग्या। पर ज्यों ही होर थल्ले वल खिसकदे उस दे हत्थां ते मूँह दी हरकत दा अंदाजा रितु नूं लगा तां इकदम उस नूं सुरत आई। ओह इकदम उस कोलों खुद नूं आजाद करवांदी बोली, प्यास लगी, पानी पीना। सुखवीर भी एकदम आस पास देखन लग्या। जिथे ओह एक दूजे नाल सब कर रहे सी फड़े जान दा डर तां सी, पर पानी लैण लई बाहर गया। उदों तक रितु अपना समान चक दरवाजे कोल आ खड़ी सी ते पानी पी अखां च शर्माउंदी ते मुस्कुराउंदी मुड़ अपनी उड़ीक च खड़े बाकी ग्रुप नाल जा रली। सुन्ने कमरे च बैठ ओह हुणे हुणे बीती उस घटना नूं मुड़ याद करन लग्या जिस नूं ओह अज कनेडा दे उस दे उस सुन्ने कमरे च बैठ के कई सालां मगरों उसे दिन वांग महसूस कर पा रहा सी। पहली मुहब्बत ते पहला चुम्मन कोई भुल सकदा भला? सुखवीर दा दिल रितु नाल बिताए एक एक पल च गुम गया सी। अंदर ते बाहर दे खालीपन नूं भरन लई उसने फोन चुकिया ते हमेशा दी तरह वट्सएप खोल के उसनूं मैसेज करन दी सोची। पर उसदे अपने हसबैंड नाल लगी व्याह दी डीपी वेख सिर्फ ओही देख उत्थे ही छड दिता। अलविदा दा आखरी मैसेज पढ़ के ओह पुरानी चैट च गुम जांदा। किन्नी वार सोचा कि इस नूं डिलीट कर देवां पर उंगलियां कंब उठदियां ते ओह कदे चैट डिलीट ना कर सकिया। तदे गुरी दा मैसेज फ्लैश होया, शायद उसदा खाने दा ब्रेक होया सी, इस लई खुद दे खाने दी फोटो क्लिक करके उसनूं भेजी सी। भूत ते भविख च उसनूं अपना वर्तमान फसया होया जाप रहा सी। फोटो दे बदले च उसने वीडियो कॉल दे बटन ते क्लिक कीता। अग्गियों गुरी दा हसदा चेहरा दिसिया। उसदे चेहरे दे फ्यूज उड्डे वेख गुरी समझ गई सी कि जरूर अपनी प्रेम कहानी नूं कोस रहा होना। हुण ते उहदा विआह हो गया, हुण ते घट्टो घट उसनूं भुल जा। इंज हर रोज़ इस तरह देवदास बनन दी की लोड़ भला? गुरी ने कह तां दित्ता सी पर ओह आप किन्ना कु अपने हिस्से नूं भुल गई। सोच के उसदे चेहरे ते उदासी दी लकीर फिरन लगी पर उसने मूँह ते शिकन नहीं सी आन दित्ती। ओह हर कोशिश करदी सी कि जदों सुखवीर उदास होवे कदे अपनी उदासी जाहर ना होन दवे। पता नहीं कदों ते किवें दोवें एक दूजे दे उदास पलां नूं खुशी च बदलन दी कोशिश करन लगे सी। टुटे हुए टुट्टियां नूं वध समझदे हन। टुटन दा दर्द ही अजिहा है कि दूसरे दा वी समझ पै जांदा है
पर सुखवीर ने कोशिश तो हर एक कीती सी कि उसदा ते रितु दा व्याह हो जाए। इत्थे लई तुरिया सी तां उम्मीद सी कि दो तीन साल च रितु नू व्याह के लै आएगा ते फिर सिर्फ उन्हां दी दुनिया होवेगी। पर तीन तो चार ते चार तो पंज किन्ना समा ओह अपने घरदियां नू रोक के रख दी। सिर्फ एक फोन कॉल दे सहारे उम्र दे सुनहरी वरे खवा के भी यह फांसले ना मिट सके ते ओह एक दिन किसे होर दी होके चली गई। दोवां कोल कोई ऑप्शन भी नहीं सी। इहो जिही कहानी ही गुरी दी सी। अपना देश छड कोई विदेश दी धरती ते पैर पाउंदा तां सिर्फ समाजिक रिश्ते छड के नहीं आउंदा सगों अपना प्यार भी छड के आउंदा ते दोस्त मित्र भी। गुरी भी तम्मी नूं इसे लई छड आई सी पर उस दे अजे पैर भी नहीं सी जम्मे। उदों तक ओह व्याह करवा चुकिया सी। चंगे घर विच्चों सी ते सोहना सुनखा सी। पूरे टब्बर दी आस सी कि इक्को वार कनेडा सैटल हो जाएगा ते उस दियां कल्ली दियां ओह रातां वी हनेरे च गुजरियां सी। इत्थे इस बेसमेंट च जदों शिफ्ट कीता सी तां दविंदर मिलिया सी। बाकी मुंडियां नालों अड नहीं सी लग्या। बिना बॉयफ्रेंड तों ते बिना रिश्तेदार तों रह रही कुड़ी नूं सब इत्थे समझदे हन कि किसे नूं भी मिल सकदी है। हर कोई अपने अपने तरीके अपने वल करन दी सोचदा है ते फिर कुछ दिन कढ़े ते फिर नवी वल। एक तरह नाल सब ने इहो रूटीन बना लिया सी जिवें कोई इक्को खाना खा के कुछ दिन च बोर हो जाए फिर कुछ नवा लभदा फिरे। पर सुखवीर उसनूं कुछ कु दिनां च ही अलग दिसन लग्या सी। बाकियां वांग ना घटिया जोक सी ना किसे वांग चंगा माड़ा कहना। किसे कुड़ी किसे मुंडे बारे ओदे मुहों कदे नहीं सी सुनिया। उसने कहना छड़ो सब दी लाइफ है आपां की लैना किसे तो। पर बाकी सब गल्लां च स्वाद लैन तो ना हट दे। ओह दोवें हौली हौली अलग बैठन लगे। अड गल्लां कर दे फिर एक दूजे लई वक्त कढ दे गए ते इस रिश्ते नूं एक वधिया मुकाम ते लै गए सी। इक्को जेही समझ वाले किन्ने कु लोक मिलदे हन। सुखवीर ते गुरी एक दूसरे नूं इक्को जेहे लगे सी। अजिहा नहीं सी कि सुखवीर कोल कोई ऑप्शन नहीं सी। कई कुड़ियां दे प्रपोजल उसनूं आए सी पर ओह हर वार ना कर दिंदा सी। खास करके उदों जदों प्रपोज करन वाली कुड़ी किसे पास्यों हुणे निकली होवे ते फिर दूसरे पासे चली जावे। उसदा मन एक ठहराव लभ रहा सी ते उस लई ओह अपनी सोच मुताबक कुड़ी दी भाल विच सी। बचपन तो ही उसदे आदत सी कि उसनूं ओह जो मिले अनलग मिले। इत्थों तक अपनी वड्डे भरा दे पाए कपड़े भी नहीं सी पाउंदा। हमेशा तो इक्को गल उसदे मन च रही सी कि जो मिले अनलग मिले। उसदी दादी हमेशा इस दा ख्याल रखदी सी। मासी मामे दे मुंडियां दे कपड़े भी कदे नहीं सी पहनन दित्ते गए। भावें उसदी भैन लई इंज ही कोई रोक टोक नहीं सी। उसनूं चंगा लगदा सी। हमेशा उसनूं हर वार जो भी मिलदा नवा नकोर मिलदा सी। इसे लई जदों ओह ते रितु पहली वार कमरे च मिले सी तां ओहदे सिर्फ उसदे होण दे अहसास नाल दिल भरिया होया सी ते रितु नूं अपने नाल हमेशा रखना चाहुंदा सी। अपने लई बनाई इक्को इक कुड़ी लगदी सी। उसनूं डरदे होए पुछिया सी मैनूं छड्डेगा तां नहीं मेरे नाल व्याह करवाएगा ना। उसदा जवाब भी इहो सी तेरे तो बिना मैं अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकदा। सच्ची उदों उस लई रितु ही उसदी दुनिया सी। पर फिर भी रितु नूं यकीन नहीं सी आया। मेरी सौं खा के आख भला उसदे सिर ते हथ रख उस दियां अखां च तक के इहो गल दोहराई सी जदों उन्हां दोवां दे विच सिर्फ हवा दा पर्दा सी। दिल च भी दूरी नहीं सी। फिर पता नहीं इन्ने साल बीत गए ओह सौं खाधी किधर गई। किसे दा कख भी नहीं सी विगड़िया। हालातां ने दूरियां बना दित्तियां ते सब इकरार ते सौं झूठियां पै गईयां जिन्हां नूं सच मन के
पता नहीं किन्नियां रातां नूं उन्हां ने निग्गे कीता सी, किन्ने ही बिस्तरियां खुशबू माणी सी। बाहां नूं अज वी ओह उस पलां दी कसावट दा अहसास सी। ओह सोवां उड गईयां सी, यादां बाकी सी ते अगे पूरी एक जिंदगी। इश्क दे बूटे भावें लख वार उजड़न, मुड़ वसन लई जड़ां अपने आप फुटन लगदियां हन। औरत मर्द दी इह बुनियादी खिच ब्रह्मचारियां दी रूह तक तरंगा छेड़ दिंदी है। सुखवीर ते गुरी दे सिर्फ दिल टुटे सी, हुण हर बीतदे दिन नाल एक दूसरे नाल बिताए, हर पल नाल पीती, हर चाह नाल प्यार दी, हर तकनी नाल इह खिच एक दूजे नूं खिच के कोल लै के आ रहे सी। खामोशियां वधन लगियां, अखां गल्लां करन लगियां, हाथां दी छू जिसम च तरंगा छेड़न लगी ते एक एक पल एक दूसरे नाल बिताउणा चंगा जापन लग्या। रात दे सुनहरे सुपनिया च एक दूजे नूं पा लैण दी हसरत जाग उठी। एक दिन दिल दे ओह जज्बात बुल्लां ते उकर गए। ओह दिन गुरी कुछ ज़्यादा ही दुखी सी, नाल वाले सब कोई फिल्म वेखन गए हुए सी ते कम ते किसी दोस्त नाल कोई झगड़ा हो गया सी। जिस दा भी करदी हाँ कोई कदे नाल नहीं खड़दा, उस दा मैं हर वार साथ दिता ते मेरी वारी फिर मैनू कल्ले छड़ दिता। रोंदी हो कम ते छेती छुट्टी लै के आ गई सी। सुखवीर शाम दी नींद तो उनिंद्रे च उठ्या सी, किसी सुनहरे ख्वाब नूं गुरी दे रोने ने तोड़ दिता सी। उस दे कोल बैड नाल टोल आई बैठा सी। कोई ना जे कोई होर नहीं मैं ता तेरे नाल हमेशा हाँ ना, उस दे ठंडे हत्थां नूं अपने कोसे हत्थां च घुटदे होए क्या। गुरी उस दे मोढे ते सिर रख के डुसकन लगी। तू भी बाकी सब वांग ही करेगा, मेरे नाल सारे ही एवें करदे हन। गुरी उस दे मूहों वार वार नाल रहन दी गल सुनना चाहुंदी सी। उस दे सिर नूं अपने हत्थां च पकड़ के बड़ी रीझ नाल उस दियां अखां च तकदे होए कहा, मैं हमेशा तेरे नाल रहांगा। वरिया मगरों ओह शब्द अज किसे होर इंसान लई उसने बोले सी। कुछ पलां लई समा जिवें रुक गया होवे, सारी सृष्टि उन्हां दियां एक दूसरे च खुबियां अखां च समा गई सी। तेज धड़कदे दिल एक पल लई रुके सी। दिल दा धड़कन ते साह दा मुड़ चलना सिर्फ उदों ही महसूस होया सी जदों गुरी नूं कोसे हंजुआं ते उस तों वी वध गरमाहट भरे सुखवीर दे बुल महसूस होए। उस दियां अखां मिच गईयां, वरियां तों स्पर्श लई तरसदे उस दे शरीर च झुंझनी छिड़ गई। शरीर एकदम झूठा पै गया। सुखवीर दे हथ खिसकदे होए मोढ़ियां नूं मजबूती नाल सहारा दे रहे सी। उस दे नरम बुल सुखवीर दी पकड़ च सी ते पल पल उस दे चुम्मन दी रफ्तार वध रही सी। सुखवीर दे हथ खिसकदे होए उस दे शरीर विच जिवें कुछ गवाचिया होया लभ रहे होण, इंज ही उस दे उपर भार वधदा गया ते ओह सुखवीर दे थले लिफदी गई। अपनियां बाहां नूं सुखवीर दे आस पास कस लिया सी। सुखवीर दे हत्थां ने उस दे जिसम दे हर हिस्से नूं छेड़ छेड़ नवां ही संगीत छेड़ दिता सी। हर पल जिसम च वधदे जोश ते पिघलेपन नूं ओह बिना चोहे महसूस कर सकदी सी। महसूस तां उस दे उपर छा गए सुखवीर नूं भी कर सकदी सी। उस दी अंग अंग दी बेचैनी उस दा जिसम महसूस कर रहा सी। सुखवीर दा भी एहो हाल सी, जिथे भी ओह चुमदा ते जिथे भी ओह छोंदा उस नूं तड़प गर्मी ते पिघले रस तों बिना कुछ ना मिलदा। कदों दोवें कपड़ियां तों बेपरवाह हो गए ते कदों नंगन तां उन्हां दे प्यार दे परदे च कज्जी गई, पता ही ना लग्या। जिसम एक दूसरे दे हाण दे हो के एक दूसरे च इंज समा गए जिवें किन्ने ही जन्मां दी प्यास बुझा रहे होण। अचानक होई इस घटना दा स्वाद हर बीत दे पल नाल वधदा ही जा रहा सी।
शुरुआत तो पीक वल जांदियां रफ्तार वध ही चली गई। हाथां च समेट एक दूसरे नूं तुर तक महसूस करदे किन्ने ही वरियां बाद ओह मिलन दे उस आखरी मुकाम नूं पा सके सी। चरम सुख दी एह अवस्था शायद इश्क दा वी चरम हुंदा है पर कहानी दा नहीं। कहानी तां इस दे मगरों ही शुरू हुंदी है, इसे ते उसरदी है। इस मुकाम ते पहुँच इकरार पक्के हो गए सी ते जिंदगी नूं नवें सिरों शुरू करन दी तमन्ना। हुण तां दिन वी कठियां दे बीतदे सी ते रातां वी, पर यादां कदे कदे मुड़ सामने आ खड़ जांदियां सन। खास करके जदों चरम तों थल्ले वल कोई आउंदा है तां पुराना अग्गे आ खड़दा है ते उन्हां नाल वी इंज ही होया। एक दूसरे दियां बाहां च समाए उस चरम तों वापस मुड़े सी। अचानक ही किसे गलों रीतू दा ख्याल आया ते जिक्र शुरू हो गया सी। उदासी दे उस आलम नूं तोड़ दे ते गल्लां करदे करदे कदों सुखवीर खुद दे निजी पलां नूं फरोरन लग्या। उस नूं वी नहीं पता लग्या रीतू नाल बीते एक एक पल पहली केस तों अंतिम मिलन तक उस दे मूहों मल्लो मल्ली निकलदा चला गया। गुरी सुनदी रही, समझदी रही ते उस दे दसन नूं अपने हासे ते गल्लां नाल इंजॉय करदी रही। जदों तक सुखवीर ने उस नूं अपनियां बाहां च घुट के उस दे बारे नहीं पुछ लिया उदों तक गुरी दसना तां नहीं सी चाहुंदी, पर सुखवीर दी जिद अगे उस दी इक ना चली। उस दे वार वार तंग करन ते अखीर उसने सब दसना शुरू कर दिता। ज्यों ज्यों ओह सुखवीर होर भी विस्थार च दसन लई कहिंदा नाल नाल उस दे हाथ मुड़ गुरी दे जिसम नाल खेडन लगे सी। उस दी आवाज़ बदलदी गई, खुद दे जिसम च भी अलग ही तरह दा जोश सी। हर नवी गल ते दसन नाल उस दे हाथ तेज हुंदे गए। सिर्फ उस दे हाथ ही नहीं सगों गुरी दे जिसम च वधदी उत्तेजना ओह महसूस कर सकदा सी ते हर पल दे विस्थार च जांदे गुरी दी संगनता वधदी गई। शब्द पहलां तों वी नंगन हुंदे गए। जिंदगी च पहली बार अपने निजी पलां नूं किसे कोल फरोलिया सी, पर ओह सी जिस नाल हुण उसने उम्र भर जीउण दा वादा सी। इस लई हुण शर्म नाम दी कोई चीज़ बाकी नहीं सी। ओह उदों तक बोलदी रही जदों तक उत्तेजना ने उस दे बुल्लां नूं बोलण तों रोक ना दिता ते आवाज़ बलदे बलदे टुट गई। साह उखड़ गए ते उखड़दे साहां नूं सुखवीर दे साहां ने सहारा नहीं दिता। उत्तेजना दे उस शिखर तों मंजिल तों जाण च जो सुख दोवां नूं महसूस किया शायद ही पहलां किया होवे। उस मगरों थकावट ते शर्म ने दोवां नूं तोड़ दिता सी, पर सुखवीर दे मन गलतान नाल भर गया। जिंदगी भर अनलग वर्तन वाले उस दे जिसम ने जिन्ना पलां नूं माणिया ओह उस नूं कच्चा जिहा करन लगे। समाज दी सोच एक पल च उस दे दिमाग ते छा गई। ओह एक वर्जिनिटी खो चुकी कुड़ी नाल यह सब कर रहा ते जिंदगी बिताउण दी सोच रहा है। काश उसने यह सब उस कोलों ना पुछया हुंदा। उस दे दिमाग च गंदे ते सैकड़ हैंड वर्गे विचार भर गए। किसे होर मर्द दी छोह उसनू अपने जिसम चों महसूस होण लगी। हमेशा दी तरह प्यार विच मर्द वाली ईगो अगे आ ही गई सी, जो खुद बारे सब भुल के औरत दे पवित्र होण लई शर्त लगा रहा सी। पलां दी उस उत्तेजना दी खेड ने रिश्ते नू नवें दोराहे ते लिया खड़ा कीता सी। अगले दिन तो ही सुखवीर दे मन च अड़ी ओह कुटन खुलन दी बजाए उलझदी चले गई। एक पासे किन्ने ही वरियां मगरों कोई ऐसा शख्स उस दी जिंदगी दा हिस्सा बनया सी जिस दा तन ते मन दोवें उस दे नाल इक्को ट्यून विच जापदे सी। दूसरे पासे बचपन तो ही दिमाग च भरियां बोझल गल्लां उस दे मन नूं अशांत करदियां।
दोस्तां दियां सैक्सुअल एक्टिव कुड़ियां बारे सुनियां गल्लां, रिलेशन च रहियां कुड़ियां ते नॉन वर्जन कुड़ियां बारे कीतियां गल्लां सुन सुन उस दे मन च जो एक मर्द ईगो बनी सी ओह चाह के भी नहीं निकल रही सी। जे किसे उस दे दोस्त नूं इस बारे पता लग्या, जे कल नूं गल खुल के करदियां सामने आ गई फिर ते व्याह लई कुड़ी अनलग होनी चाहीदी। उसने इहो जन्म तों हुण तक समाज विच्चों सुनिया सी ओह आप भावें किसे कुड़ी नाल इन्ने साल एक रिश्ते च रहा सी जिस च शायद ही उन्हां ने कुछ अजिहा छड्या होवे जो ना कीता होवे, पर किसे होर कुड़ी नाल रिश्ते च आउण लई उस दे अपना मन झूठा पै गया। राती ही ओह उठ के अपने कमरे च अलग सौ गया सी। रात भर सोचदा रहा किहड़े पासे जावां। अगले दिन सवक्ते उठ के बिना गुरी नूं उठाए ओह अपने काम ते चला गया सी। शामी भी उस वेले तक आया जदों गुरी जा चुकी सी, उस दे आउण तों पहलां सौ चुकिया सी। कई दिन यह ओह दोहरांदा रहा, मैसेज जां कॉल ते गुरी नाल सिर्फ हाए हैलो करदा ते राती सौण दा नाटक गुरी किन्नी वार पुछ चुकी सी कि इंज दा व्यवहार दा कारण, पर ओह कुछ नहीं कम जां थके होए दा बहाना मार दिंदा। गुरी सब समझता रही सी पर उसनूं इह समझ नहीं सी आ रही कि जदों जो भी कुछ दस्या सी दोवां ने बराबर दस्या सी। फिर इस गल तों हुण शर्माउण जां इंज भज्जन दी की लोड़ है, जो है सो है, उस तों कित्थों तक दौड़िया जा सकदा है। जो बदलिया ना जा सके उसनूं स्वीकार कर लैण च सियाणप है। वध तों वध इह हो सकदा है कि अग्गियों कदे अजिहा ना होवे, पर इह गल्लां तां होण जे ओह आमने सामने गल तां करे, पर ओह तां जिवें दौड़ ही रहा होवे। एक रात जदों ओह वापस आई उदों शायद सुखवीर सौं रहा सी। उसने एक दो वार बुलाया पर ओह नींद आउंदी है कह के फिर सौण लग्या। बहुत कोशिश करन तों बाद भी जदों नहीं उठिया तां ओह भी लाइट ऑफ करके लेट गई, पर अज उस दे मन च पूरी खिज सी। घट्टो घट दसे तां सही होया की है, इंज भी कोई मसला हल हुंदा है। लेटे लेटे ही उसने अपने कपड़े उतार दिते ते सुखवीर दे जमा नेड़े हो गई। उसनू अपनियां बाहां च कुट एक लत घुमा के उस दियां लत्तां उपर रख लई। निग्गे शरीर तों गर्दन ते आउंदे साहां ने सुखवीर नू बेचैन कर दिता सी, पर जिवें उसने अपने तन मन नू कुंडली मार ली होवे। उहनू हिलदा ना वेख गुरी अपने हाथ उस दे पिंडे ते घुमाउण लगी। हाथ खिसकदे होए हेठां वल जाण लगे पर ढिड ते पहुंचण तों पहलां ही सुखवीर ने रोक दित्ते। प्लीज़ मैं इह सब नहीं करना चाहुंदा, उस दे मन विच्चों भरी गल बाहर आ गई। पर क्यों सुख, इह तां दसो होया की, अचानक इंज बदलन दा की कारण? गुरी फिर भी उसनूं प्यार नाल पुछदी रही पर ओह कुछ नहीं कह के सारदा रहा। पर अज गुरी भी जिद ते सी, पिछे नहीं सी हटना चाहुंदी ओह, ते उस दी जिद दे अगे सुखवीर दे मूहों सच निकल गया। उस दिन जो भी होया उस मगरों इह सुनन मगरों कि तैनू मेरे तो पहला किसे होर ने छूया भी है, मेरे मन च गंदे जिहे एहसास भर दित्ते सन ते चाह के भी मैं तेरे नाल इस रिश्ते नू व्याह तक नहीं ले जा सकदा। मैं नहीं चाहुंदा कि मेरी पत्नी दे किसे होर मर्द वल्लों चूहे जान दा एहसास मेरे नाल रहे। गुरी नू जिवें एकदम झटका लग्या होवे ओह एकदम उठ के पिछां हो गई, हंजू उस दे गले तक आ के अटक गए। पर उसने अपने आप नू संभाल लिया ते बोली, सुखवीर तैनू इंज क्यों लगदा कि मैं तेरे नाल व्याह करवाउण लई इह सब कर रही हाँ? सच कहां तां मेरा तेरे नाल व्याह करवाउण दा कोई इरादा नहीं है, इस लई तेरे चाहन ना चाहन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सुखवीर नू जिवें किसे ने
440 वोल्ट का झटका दे दिता होवे। लेटिया होया वह एकदम उठ के बैठ गया। गुरी दे मुहों निकल दे शब्दां बाहरों आउंदी पिनी रोशनी च उसनू वेख दे नज़र आ रहे सी। पूरी तरह नगन उस दे नाल बैड ते बैठी कोई कुड़ी इस गल तो इनकार ही कर रही सी कि वह उस नाल व्याह दी चाहवान है। इस गल ने उसनू डोर पोर कर दिता सी, पर गुरी बोलती रही, देख मैं इत्थे वैल सैटल हाँ, इंडिया तो जदों चाहां तेरे तो हर दर्जे च चंगा, पढ़ाई शकल सूरत पैसा परिवार ते ऑफ कोर्स बाकी सब कुछ लिया सकदी हाँ। ते जदों ओह व्याह ते सारे खर्चे भी खुद करनगे फिर मैं तेरे नाल व्याह क्यों करवावां, ते सब मेरे रोब च रहणगे, तेरे नाल सब उल्टा होवेगा। इस दा मतलब तेनू मेरे नाल प्यार नहीं है, सुखवीर ने पूछा। प्यार दा मतलब मैं उस इंसान नाल प्यार किंज कर सकती हाँ जो महज स्वाद लई सब सुनना चाहुंदा है, पर जदों अपनाउन दी गल आई उस दी मर्दानगी अगे आ गई। मैं तेरे नाल हुण भी कल भी मेरा व्याह हुण तक सब किसे होर भी स्वाद नाल सुनाउन लई तैयार हाँ, ते कदे व्याह लई नहीं कहांगी, इसलिए मैं हुण भी तैयार हाँ। कह के उसने अपनियां बाहां खोल दित्तियां ते रोमांटिक ढंग नाल अपने जिस्म नूं छेड़न लगी। सुखवीर दे दिल तां जिवें एकदम बैठ गया होवे। जिस्म च एक ऐसी ठंडक सी उस दियां कामुक हरकतां उस नूं गर्म करन जोगियां नहीं सी, पर मैनू इंज लगदा सी कि तू मैनू दिलों ही नहीं सगों रूह तों चाहुंदी ऐ। मिस्टर सुखवीर, गुरी एकदम चीख के बोली, सोच तेरी जिस्म तो अगाह नहीं गई, ते गल्लां दिल ते रूह वालियां करदा रहा। इश्क ते मुहब्बत नूं इस लैवल ते सोचन तो पहला जिस्मां रंगां ते दुनिया दे बनाए हर बंधन तो उपर देखना पैंदा। सिर्फ मूँह हिला देन नाल दिल ते रूह दी मुहब्बत नहीं हुंदी, वक्त पे तो साबित करनी पैंदी है। ते आपां तां महज किसे नाल अरसा पहली रिलेशन च किते सैक्स नूं ही स्वीकार नहीं कर सके। सुखवीर चुप सी कि उह खुद ही कुछ रिश्ते बारे गलत अंदाजा ला बैठा सी। जवाब गुरी ने ही दे दिता, रही गल तेरे नाल मुहब्बत दी, हाँ उह बिल्कुल है, रहेगी भी तन मन ते रूह तों। तेनू पता मैनू तू शुरू तो ही चंगा लग्या सी, पर अपने रिश्ते नू इस लैवल तक पहुँचन लई समा इस लई लग्या क्योंकि अपने दोवां दे तन मन ते रूह ते पहलां दे रिश्तियां ते दे परछावें सी, ते आपां दोवां ने उत्थों तन मन हर तरह दी मौज कीती। तन तां रोज धो वी लैंदे हाँ, सब मैल उतर जांदी है, इस तों वध तन होर सुच्चा किवें हो सकता है, पर मन ते रूह च जदों कोई वस्या होवे जिस नाल तुसी पल पल जी लिया होवे उत्थों मुड़ना ते उसनू माफ़ करना मुश्किल है, ते यह वक्त मानदा है। इसलिए शायद आपां दोवां ने उदों एक दूजे दे हवाले कीते जदों उस पुराने सब पासों छुटकारा हो गया। सुखवीर ने उस दे वल तकदे होए हुंगारे च सिर हिलाया ते गुरी बोलदी रही, बस आखरी गल कहांगी, मैं खुद नूं जिस दिन तेरे हवाले कीता सी उस दिन इस दिल विच ते रूह विच सिर्फ तू सी, मैं उस पास्यों उस दिन अनलग हो गई सी। बाकी दुनिया दे जिस्म दे सुच्चे जां झूठे होण दी परिभाषा नूं मेरी जुत्ती भी नहीं मानदी, ते मैनूं लगदा रिश्ते दिलां ते रूहां तों अनलग होने चाहीदे। जिस्म तां इक दिन जर्जर हो जाने हन, बाकी हुण तेरी मर्जी, जो तेरा फैसला होएगा मैनू मंजूर है। किसी भी चीज़ लई मैं तैनू फोर्स नहीं करांगी। आख के ओह एक पासे हो के खुद नू ढक के लेट गई। सुखवीर भी कुछ देर सोचदा सोचदा लेट गया। मन च रात भर उही सब चलदा रहा। सवेरे जदों
कन्ना च पई गुड मॉर्निंग दी आवाज़ ने गुरी नू उठाया तां उसने देखिया कि काफ़ी दे कप लई सुखवीर उस दे सामने खड़ा सी। उस दी अखां च शरारत हासा ते माफ़ी वर्गा कुछ सी। मैं इंज ही तेरी सेवा करन लई तैयार हाँ, हर रोज़ की तुसी मेरे नाल व्याह करवाओगे? उस दे दिल विच्चों मर्दानगी दे अखोती दावे उड गए सी। पहली वार उसनू समझ लगी सी कि औरत भी मर्द वर्गी इंसान हुंदी है। गुरी नू ना उत्तर देन दी जरूरत सी ते ना ही सुखवीर नू उड़ीकन दी। काफ़ी दे कप मेज ते रख उसने बिना उत्तर तो ही गुरी नू बाहां च भर लिया। कसे गए जिस्मां ने सब उत्तर खुद ही समझ ले सन। ये कहानी इत्थे ही समाप्त हुंदी है। ये कहानी तुहानू किस तरह की लगी एक कमेंट करके जरूर दस्यो। वीडियो नू लाइक कर दियो अते शेयर कर दो। तुहाडा सारयां दा कीमती समां देण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी।